शहर का काफी अहम हिस्सा वाशी इलाका माना जाता है, जहां काफी कॉलेजेस, बड़े बड़े मॉल्स हैं, जहां काफी भीड़ नजर आती है। पर यही इलाके में कचरे का साम्राज्य दिखाई पड़ता है, जिस कारण दुर्गंध फैलती है, जिस पर नागरिकों ने कड़ी नाराजगी जताई है। एक और तो स्मार्ट सिटी बनाने के मकसद से शहर का विकास करने के लिए महापालिका द्वारा विभिन्न उपक्रम किए जा रहे हैं, पर शहर स्वच्छता के विषय पर उपाय योजनाएं कर कड़े तौर पर अमल किए जाने की मांग हो रही है। वाशी रेलवे परिसर में कचरे की समस्या के चलते नागरिकों की सेहत पर असर होना तय है। इस पर भाजपा कार्यकर्ता नितिन कंधारी ने अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त कर मनपा की कार्यप्रणाली पर बात की। नवी मुंबई स्मार्ट सिटी चुनी गई है, इस बात से हमें बहुत गर्व है। लेकिन मैंने नवी मुंबई म्युनिसिपल कमिश्नर साहब और सिडको के एमडी साहब को लेटर लिखी है, दो तीन बार लिखी है कि अगर उनके पास थोड़ा सा नवी मुंबई कर के लिए वक्त है तो अपने एसी ऑफिस से नीचे उतर के वाशी के प्राइम लोकेशन, वाशी स्टेशन के बाजू में और रघुलीला मॉल के बाजू में कचरे का इतना बड़ा ढेर लगा हुआ है, जहाँ पे इतनी गंदगी है कि वहाँ से गुजरने वालों को भी इतनी गंदी बास आती है कि कोई हद नहीं है। खाली अगर वो दो मिनट यहाँ पे खड़े रह के दिखाएं तो उनको पता चलेगा कि यहाँ के लोगों को कितनी तकलीफ है। मैंने उनसे खाली रिक्वेस्ट किया है, सिडको बोलती है एनएमएमसी का एरिया है, एनएमएमसी बोलती है सिडको का एरिया है, नवी मुंबई दोनों का एरिया है, सिडको भी टैक्स लेती है, नवी मुंबई म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन भी टैक्स लेती है, अपना हाथ झाड़ने से कुछ नहीं होगा। तो मनपा के वार्ड अधिकारी महेंद्र सिंह ठोके ने कचरे की समस्या निश्चित रूप से हल किए जाने का विश्वास जताया। वो लोग ब्लैक में लेके उधर आके देते हैं, हमारे डस्टबिन उधर रखते हैं, वो प्लास्टिक जमा करने वाले लोग उसको खाली करके वो लेके जब प्लास्टिक लेके जाते कचरा हमारे डस्टबिन में डाल के हम लोग उठा लेते हैं। फिर वहाँ पे जो सिडको का जो ओपन प्लॉट पड़ा है वहाँ पे बहुत सारा डेब्रिज जमा हुआ है, और वो डेब्रिज के लिए हम लोग तो सिडको से बातचीत कर रहे हैं। डेब्रिज तो कल सुबह हम हटाने वाले हैं, लेकिन कचरे के बारे में आज ही वहाँ पे सेग्रेशन वो लोग कैसे करते, कौन लोग है, उनको जिम्मेदारी दिया जाएगा कि आप ठीक से कचरा जो बचा प्लास्टिक निकाल हुआ जो बचेगा वो आप डस्टबिन में रखेंगे और हमारी गाड़ी आके उसको पिकअप करेगा। वीडियो जर्नलिस्ट नितिन खरात के साथ पंकज बेनवश की रिपोर्ट।